स्वागत है गाइस लगे हुए चैनल पर। तो गाइस पोको X6 Pro काफी कैपेबल डिवाइस है, बट इसमें आपको कुछ ब्लोटवेयर्स देखने को मिलते हैं। अब कुछ ब्लोटवेयर्स तो आप हटा सकते हो, बट कुछ आप हटा ही नहीं सकते नॉर्मल अनस्टॉल वाले कमांड से। तो करना क्या है भाई, सिंपल सा है, आपको बताने वाला हूं। आपको लैपटॉप पे लॉग इन करना पड़ेगा, अपने लैपटॉप को चालू करने के बाद आपको जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। कौन कौन से आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो सारी चीजें करने के बाद आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं एंड टू एंड, क्या आपको करना है, क्या आपको इंस्टॉल करना है, फिर कैसे आपको ADB कमांड रन करनी है। उसके बाद आप कोई भी ब्लोटवेयर अपने फोन से हटा सकते हो और आपको पोको X6 Pro में कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। जो एप्लीकेशन आप हटा भी नहीं सकते ना, अनस्टॉल नहीं कर सकते, वो भी हटा पाओगे यूजिंग लैपटॉप। और इसके बाद आपका जो फोन है पोको X6 Pro एकदम क्लीन इंटरफेस हो जाएगा, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आएंगे और भाई आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अच्छा लगे ना भाई तो 100 लाइक्स का टारगेट है, लाइक करके जाओ, सपोर्ट मिलता है आप लोगों का, और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो गाइस चलो आपको लैपटॉप पर लेके चलता हूं, आपको सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाता हूं कि कैसे क्या करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको ना दो चीज़ें डाउनलोड करनी है। पहला तो है USB ड्राइवर जो आपको ADB कमांड्स रन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। आप सामने देख पा रहे होंगे, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और दूसरा है प्लेटफॉर्म टूल्स। अब प्लेटफॉर्म टूल्स में क्या आप ADB कमांड्स भी रन कर पाओगे, यहाँ पे आपको एक टूल मिल जाएगा यूनिवर्सल डिबलोटर UADGUI विंडोज, ठीक है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे MediaTek का ड्राइवर जो मैंने यहाँ पे डाल दिया जिप फॉर्मेट के अंदर। आपको क्या करना है, उसको अनजिप करना है। आप अनजिप जैसे ही करोगे आपको ये फाइल मिल जाएगी MediaTek SP ड्राइवर वर्जन setup.exe, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, तो डाउनलोड करना है ये दोनों टूल्स के, आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप दोनों को डाउनलोड कर लो जिप फॉर्मेट में, अनजिप कर लेना। अनजिप करने के बाद प्लेटफॉर्म टूल्स में आना, यहाँ पे MediaTek जो ड्राइवर है उसको इंस्टॉल कर लेना अपने लैपटॉप के अंदर। इंस्टॉल करने के बाद ये रिस्टार्ट मांगेगा तो रिस्टार्ट कर देना, ठीक है। अब हम सारा काम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास MediaTek के ड्राइवर इंस्टॉल हो गए हैं, अब हमको ADB इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप के अंदर। तो आप पूरा प्रोसेस देखो। अब यहाँ पे आप देखो USB ड्राइवर, आपको यहाँ पे AMD64i386 Android Win3 USB, आपको सारे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको सर्च करना है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर को सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर आना है एक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओगे एक्शन पे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे एड लेगेसी हार्डवेयर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे नेक्स्ट, यहाँ पे सर्च करोगे इंस्टॉल द हार्डवेयर, इसको आप सेलेक्ट करोगे इंस्टॉल द हार्डवेयर दैट आई मैन्युअली सेलेक्ट फ्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओ, यहाँ पे नेक्स्ट पे जाओ, यहाँ पे हैव डिस्क पे क्लिक करो, और यहाँ पे आपने जो एक्सट्रैक्ट किया है, मैंने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट किया था उस फोल्डर है, तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे USB ड्राइवर, ठीक है, और एंड्रॉयड विन USB को सेलेक्ट कर लेना आपको, ठीक है। या मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके पे क्लिक किया, ये चीज़ मेरे को एंड्रॉयड ADB इंटरफेस, ठीक है, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो ये एक हमारा इंस्टॉल हो गया। इसी तरीके से दोबारा से मेरे को एक्शन पे जाना है, एड लेगेसी हार्डवेयर नेक्स्ट, इंस्टॉल द हार्डवेयर नेक्स्ट, नेक्स्ट हैव डिस्क, ब्राउज पे जाओ, एंड्रॉयड विन USB, दोबारा से USB जो ड्राइवर हमारा फोल्डर उस पर क्लिक करना है, इस पर ओके। अब यहाँ पे आपको जो सेकेंड ऑप्शन है एंड्रॉयड बूटलोडर इंटरफेस, आपको इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब ये भी इंस्टॉल हो गया। दोबारा से आपको एक्शन पे आना है, एड लेगेसी हार्डवेयर नेक्स्ट, इंस्टॉल द हार्डवेयर नेक्स्ट, नेक्स्ट हैव डिस्क पे क्लिक करना है, ब्राउज करना है, ठीक है। और ब्राउज करने के बाद दोबारा से इसको सेलेक्ट करना है एंड्रॉयड विन USB ओपन, ओके करना है, और एंड्रॉयड कंपोजिट ADB इंटरफेस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहले एंड्रॉयड ADB इंटरफेस, एंड्रॉयड बूटलोडर, फिर एंड्रॉयड कंपोजिट ADB, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। फिनिश पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे देखो सैमसंग एंड्रॉइड फोन दिखा रहा है, आप सैमसंग को इग्नोर करो। पहले भी इसको इंस्टॉल कर लिया था इसलिए आपको डबल डबल दिखा रहा है, बट आपको इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा, एक एंड्रॉइड ADB इंटरफेस, एक बूटलोडर इंटरफेस और एक कंपोजिट ADB इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद आपको लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो गाइस आपने ADB इंस्टॉल करना भी सीख लिया, दोबारा से एक बार रीस्टार्ट कर लेना अपने लैपटॉप को। तो हमारा ADB इंस्टॉल हो चुका है और हमारा जो MediaTek का ड्राइवर है वो भी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब करना क्या है, अब आपको अपने फोन में आना है और वहां पे USB डिबगिंग आपको जो ऑप्शन है उसको इनेबल करना है, सारा प्रोसेस आपको वहां पे करना पड़ेगा। तो आपको मैं सारा फोन पे दिखाता हूँ। अब गाइस आप सामने देख पा रहे होंगे पोको X6 Pro, तो हमने MediaTek का ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया है लैपटॉप के अंदर, ADB इंस्टॉल कर लिया है लैपटॉप के अंदर और रिस्टार्ट कर लिया है। अब हमको USB डिबगिंग ऑन करना पड़ेगा हमारे पोको डिवाइस के अंदर। तो हमको आना पड़ेगा सेटिंग्स में, डेवलपर ऑप्शन आप इनेबल कर लेना, उसके बाद ही आप कर पाओगे जो USB डिबगिंग वाला ऑप्शन है, ठीक है। आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना नहीं आता, आप छोटा सा गूगल करना, आप सीख जाओगे कैसे करना होता है, ठीक है। एडिशनल सेटिंग्स पर आएंगे हम, यहाँ पे हम चले जाएंगे डेवलपर ऑप्शंस में। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखेगा USB डीबगिंग, ये पहले से डिसेबल्ड होगा, उसको आप इनेबल करके रख देना, ठीक है। ये परमिशन मांगेगा, आई एम अवेयर कर देना। उसके बाद ये 10 सेकेंड का टाइम लेगा और 10 सेकेंड के टाइम के बाद आपको उसको ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तभी USB डीबगिंग वाला जो ऑप्शन है वो ऑन हो गया है, ओके। अब बाकी सारे प्रोसेस आपको मैं लैपटॉप पे दिखाता हूँ। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको ये जो केबल आपके आई है डिवाइस के साथ, आपको पोको X6 Pro में कनेक्ट करना है। उसके बाद
CMD के कुछ कमांड से वो रन करनी है कंप्यूटर पे, आपको मैं दिखाता हूँ, उसके बाद सारा प्रोसेस इजी हो जाएगा। तो गाइस अब मैं अपने पोको X6 Pro को कनेक्ट कर लेता हूँ लैपटॉप के साथ, केबल के साथ, ठीक है। जैसे ही कनेक्ट होगा यहाँ पे प्रॉम्प्ट आएगा आपके लैपटॉप में, उसके बाद आपको CMD ओपन करना है, ठीक है। और आपको कहाँ पे जाना है, जहाँ पे आपने ये जो फोल्डर है प्लेटफॉर्म टूल्स वाला प्लेस किया है, इसकी लोकेशन किधर है आप देखो, मैंने इसको आयुष डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म टूल्स यहाँ पे डाला हुआ है। तो CMD में भी आपको उसी लोकेशन पे जाना है, तो मैं चेंज डायरेक्टरी करूँगा यहाँ पे हमारा है डेस्कटॉप, तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद चेंज डायरेक्टरी प्लेटफॉर्म टूल्स, ठीक है। तो यही सेम लोकेशन आप देखो यहाँ पे डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म टूल्स, और CMD में भी हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा ADB डिवाइसेस, जैसे ही मैं लिखूंगा हो सकता है ये कमांड डालने पे आपको आपके सेलफोन पे एक प्रॉम्प्ट आएगा कि आपको परमिशन देनी पड़ेगी, तो उसको आप इनेबल कर देना। मैंने वो परमिशन इसको दे दी है, इसीलिए मेरे डिवाइस का नाम यहाँ पे इसने शो करना शुरू कर दिया है। यदि आपको भी इसने शो कर दिया तो परफेक्ट, आपका जो डिवाइस है ADB कमांड्स रन करने के लिए एकदम रेडी है। उसके बाद आपको मिनिमाइज कर देना है, और आपको ये वाला जो टूल दिख रहा है UAD GUI विंडोज, इसको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करोगे आपके जो फोन है, जैसे यहाँ पे देखो POCO 2311 DR के दिखा रहा है, मतलब POCO X6 Pro की जितनी भी एप्लीकेशन है यहाँ पे मेरे को शो करना शुरू कर दिया है। आप देखो यहाँ पे सारी एप्लीकेशन यहाँ पे शो करना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग सिस्टम एप्लीकेशन, ठीक है। अब यदि POCO में देखोगे एक एप्लीकेशन है गेट एप्स, आपको मैं फोन पे लेके चलता हूँ, वहां पे आपको दिखाता हूँ। उसका हमको पैकेज नेम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम वो सारी कमांड यहाँ पे रन कर पाएंगे और उसको यहाँ से हटा सकते हैं अपने लैपटॉप से। चलो आपको POCO X6 Pro डिवाइस पे लेके चलता हूँ। तो गाइस जो हमारा डिवाइस है वो कनेक्ट हो चुका है, और जितनी भी एप्लीकेशन है वो लैपटॉप पे शो हो रही है। अब आपको पता करना है, जैसे मेरे को गेट एप्स एप्लीकेशन अपने फोन से हटानी है, तो अभी आप देखोगे गेट एप्स, ये भाई ये इनका प्ले स्टोर है और ये बहुत सारे ऐड पुश करता है हमारे जो POCO के डिवाइसेस पे। अब इसका आपको पैकेज नेम जानने के लिए आपको पहले गूगल प्ले स्टोर पे आना है, और आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप गूगल प्ले स्टोर पे आना, यहाँ पे आप लिखना APK इंस्पेक्टर। जैसे ही आप लिखोगे आपको पहली एप्लीकेशन यहाँ पे दिख जाएगी APK इंस्पेक्टर के नाम से, इसको आप डाउनलोड कर लेना। आप इसको जैसे ही डाउनलोड करके ओपन करोगे, ओपन करने पे आपको यहाँ पे सर्च करना है गेट एप्स, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं गेट एप्स पे, देखो गेट एप्स आपने जैसे ही क्लिक किया, इसका जो पैकेज नेम है आपको सामने सामने दिख रहा होगा com.xiaomi.mipics। अब ये com.xiaomi.mipics जो पैकेज नेम है मैं वो हटा दूंगा लैपटॉप से, अनइंस्टॉल कर दूंगा, तो ये जो एप्लीकेशन है वो भी यहां से गायब हो जाएगी, ठीक है। आपको मैं लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूं, हमने पैकेज नेम तो आइडेंटिफाई कर ही लिया है, नाम है com.xiaomi.mipics। इसको हम टूल पे देखते हैं लैपटॉप पे जाके, और उसको वहां से अनइंस्टॉल करता हूं, फिर हम देखेंगे हमको ये एप्लीकेशन यहां पे दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ठीक है। तो चलो आपको मैं लैपटॉप पे लेके चलता हूं। अब गाइस इस टूल की सबसे खास बात है, पैकेज में आपको पता पड़ गया आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे com.xiaomi.mipics, तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ mipics लिख के, तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ गया com.xiaomi.mipics, जो कि रेस्पॉन्सिबल है हमारे गेट एप स्टोर के लिए। तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं अनस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली इस टूल के हिसाब से जो गेट एप्स एप्लीकेशन है मेरे फोन से गायब हो चुकी है। अब देखना है कि वो फोन में है कि नहीं है, तो आपको मैं फोन पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब गाइस टूल के हिसाब से तो जो गेट एप्स वाली एप्लीकेशन है वो हट चुकी है, तो क्या रियल में हटी है? तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ एप्लीकेशन गेट एप्स। गाइस देखो यहाँ पे मेरे को एप्लीकेशन दिख ही नहीं रही, ना ही उसके जो सजेशन है वो देख रहे हैं, और गेट एप्स एप्लीकेशन मेरे सेलफोन से हट चुकी है। तो जो एप्लीकेशन मैं अनस्टॉल डायरेक्टली नहीं कर सकता था, इस सारे टूल्स को चलाने के बाद, सारा सेटअप करने के बाद वो हटा दिया है। और इसी तरीके से आपको कोई भी एप्लीकेशन हटानी हो, चाहे मेटा का इंस्टॉलर हटाना हो, वो आप कर सकते हो, और आपका जो फोन है वो पहले से अच्छा परफॉर्म करेगा, कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप इस तरीके से कोई भी एप्लीकेशन, सिस्टम एप्लीकेशन जो Xiaomi हो, जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो हटाने से, तो आप हटा सकते हो इजिली, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन अपने फोन से इंस्टॉल कर सकते हो, यदि कोई एड्स वगैरह आ रहे होंगे तो वो भी हट जाएंगे। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, और मेरे डिवाइस में कोई भी एड्स देखने को कहीं भी नहीं मिलता, और कोई भी एप्लीकेशन ऐसी होती है जहां एड्स देखने को मिलता है तो उस एप्लीकेशन को मैं हटा देता हूं। यदि डायरेक्ट हट जाता तो बहुत ही अच्छी चीज इंस्टॉल कर दो, यदि नहीं हट रहा है तो मैं यूजिंग लैपटॉप, आपको जो पूरा मेथड मैंने बताया उसका यूज करके मैं हटा देता हूं, ठीक है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बस ध्यान क्या रखना है, आपको स्टार्टिंग में ADB को इंस्टॉल करना सीखना है, जो मैंने आपको सिखा दिया है। MediaTek का ड्राइवर इंस्टॉल करना है, सब कुछ करने के बाद अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है, उसके बाद आपको CMD का यूज करके उस लोकेशन पर जाना है ADB डिवाइसेस, वहां पे आपको क्लिक करना है, मतलब ADB डिवाइसेस आपको लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। उसके बाद आपका एक पॉपअप आएगा आपके डिवाइस पे, उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप सारे के सारे जो कमांड्स है वो रन कर सकते हो, और ये जो टूल है आपका जो डिवाइस है POCO का दिखाना पे शुरू कर देगा। फिर आप पैकेज नेम आइडेंटिफाई करके उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप से।
उसके बाद सारी एप्लीकेशन हट जाएंगी जैसे गेट एप्स वगैरह, और अपने फोन को मक्खन तरीके से यूज कर पाओगे। और यदि गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो भाई शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपना प्यार दिखाओ और सपोर्ट दिखाओ, और सब्सक्राइब करो चैनल को, और यदि कोई भी डाउट हो बिना तो कमेंट सेक्शन में से पूछ लेना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी टाटा, बाय बाय, सी यू।